तो हे गाइस, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर हम बनाने वाले हैं एक नया बुलेट ट्रेन एंड इसके अंदर हम ऐड करेंगे ढेर सारी बोगी। फिर इस बड़े से ट्रेन को हम अपने सिटी के अंदर चला के भी देखेंगे। सो यार, काफी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ एक नए सिटी में घूमने के लिए, बिकॉज अभी मैं बाढ़ और गर्मी से यहाँ पर बिल्कुल ही परेशान हो चुका हूँ और इसलिए मैं आ चुका हूँ अपने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन यार, ये क्या सीन है, यहाँ पर देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं और वो भी ट्रेन के सामने। यार ये तो एक्सीडेंट हुआ है एंड अभी ये सारे ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर चुकी है। लेकिन आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ कैसे? सबसे पहले मैं रास्ते पर की सारी गाड़ियाँ हटा देता हूँ, क्योंकि जब तक ये गाड़ी यहाँ पे रहेगी ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सो अभी इसे हटाने के लिए कोई JCB तो है नहीं, तो मैं इसी से इसकी हेल्प से हटाने वाला हूँ। तो अभी मैं फुल स्पीड में गाड़ी को ले जाने वाला हूँ एंड ये देखो, मैंने फाइनली गाड़ी को सामने से हटा दिया है और अभी ट्रेन के सामने का रास्ता खाली हो चुका है। अभी एक बार ट्रेन को देखो यार, वो तेरी की तो सच में ट्रेन लाइन से नीचे उतर चुकी है। बट यार, आज तो मैं दूसरे सिटी में घूमने के लिए जाने वाला था एंड इतने बड़े ट्रेन को फिर से लाइन पे लाने में तो काफी टाइम लग जाएगा एंड हमारे सिटी में बस एक ही ट्रेन है जिसकी वजह से ये बार बार खराब होती रहती है। वैसे एक मिनट, यहाँ पे तो दो दो ट्रेन की लाइन बिछाई गई है एंड अभी मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम भी एक ट्रेन बनाएं एंड इस बुलेट ट्रेन को हम इस दूसरे लाइन पे चलाएंगे, फिर इस सिटी के लोगों को इधर आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन एक ट्रेन बनाने के लिए आखिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो सीखना होगा, बिकॉज हम यहाँ पर कोई नॉर्मल ट्रेन बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले। हम एक बुलेट ट्रेन बनाएंगे जो इससे भी 10 गुना तेज में चले। लेकिन इसके लिए पहले मुझे घर जाके ये सारी चीजें लैपटॉप के अंदर देखनी होंगी, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे ट्रेन का इंजन चाहिए, बोगी चाहिए, फिर उसको जोड़ने का भी चाहिए एंड ये सारी चीजें मुझे उसी के अंदर से पता चलेगी। सो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर एंड अभी 2-3 घंटे ढूंढने के बाद मुझे कुछ सीक्रेट लोकेशन मिले हैं जहाँ पर हाल ही में आए ट्रेन के इंजन और बॉडी पार्ट छुपाए गए हैं, ताकि जब तक ये ट्रेन बन नहीं जाती कोई भी चोर उसे चुरा नहीं पाए। सो सबसे पहले जो हमें इंजन मिलने वाला है वो है हमारे कार शोरूम के अंदर एंड अभी देखो यार, ये वाला ट्रेन का इंजन बिल्कुल ही बुलेट ट्रेन का है एंड इसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज होगी। सो अभी इस ट्रेन को हम ट्रेन लाइन के दूसरे लाइन पे चलाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे कार शोरूम के अंदर से इस ट्रेन इंजन को चुराना होगा, क्योंकि उसे उसके अंदर काफी ज्यादा सिक्योर से रखा गया है। लेकिन अभी हमें कुछ भी करके एक दूसरा ट्रेन बनाना ही होगा, क्योंकि हमारा पहला वाला ट्रेन काफी ज्यादा पुराना हो चुका है एंड हर बार जब मैं वहाँ पर जाता हूँ कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। सो अभी हम ट्रेन इंजन लेने के लिए आ चुके हैं कार शोरूम एंड यार, सिक्योरिटी मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी लगाई गई है एंड ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। चलो इसके अंदर चलते हैं। एक मिनट यार, ये क्या है लाल कलर का, चलो और पास से देखते हैं। अबे यार, ये तो दरवाजा है, लेकिन आज से पहले मैंने यहाँ पे कभी नहीं देखा था। शायद इन लोगों ने ट्रेन को इसके अंदर रख के इसे लॉक कर दिया है। बट टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, क्योंकि इसके अंदर जाने का एक और रास्ता है एंड इसके अंदर की सारी बड़ी गाड़ियां उसी रास्ते से तो बाहर आती हैं। तो चलो फटाफट अभी चलते हैं उसी रास्ते से। यार ये क्या, इधर भी रास्ता बंद है एंड अभी तो यहाँ पर पुलिस वालों ने पूरा का पूरा दीवार ही खड़ा कर दिया है एंड इतने मजबूत दीवार को मैं तोड़ तो बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा। यार अभी ट्रेन का इंजन इसके अंदर से बाहर कैसे निकाले, बिकॉज इसके दोनों के दोनों दरवाजे ही बिल्कुल ही सील कर दिए गए हैं। अबे वेट वेट, मुझे एक और सीक्रेट दरवाजे के बारे में पता है एंड लेकिन वो जो दरवाजा है वो शोरूम के ऊपर है। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शोरूम के ऊपर जाऊं कैसे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई सीढ़ी है। लेकिन हाँ, अपनी बाइक से हम इसके ऊपर जंप करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास ही में एक रैंप है जो सीधे इसी की ओर घुमा हुआ है एंड उस रैंप की हेल्प से मैं पहले भी शोरूम के ऊपर आ चुका हूँ। सो चलो फटाफट मैं आपको पहले उस रैंप को दिखाता हूँ। वैसे उस रैंप से जंप करके इसके ऊपर आ पाना इतना इजी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चांस भी नहीं है जिससे हम अंदर जा सके। तो अभी हमें बाइक को कैसे भी करके जंप करके इसके ठीक ऊपर जाना है एंड हमारे सामने जो रैंप दिख रहा है उसी से हमें इस बाइक को जंप करनी है एंड ये लो फाइनली हमारी बाइक हवा में उड़ चुकी है। अरे यार, मुझे लगता है मुझे बाइक को और तेज लेके आना चाहिए था एंड ये लो गया। ओह यार, फाइनली हम इसके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन मेरी जो बाइक के वो सीधे इसके किनारे पे आके टकराई है। बट कुछ भी हो, फाइनली कार शोरूम के ऊपर हम बाइक लेके आ चुके हैं एंड वो अंदर जाने का जो दरवाजा है ठीक यहीं पे है। पहले तो मुझे इसके छत से और नीचे उतरना होगा एंड आज से कुछ दिनों पहले मैंने वो दरवाजा यहीं पे देखा था। चलो एक बार दीवार के अंदर जाके ट्राई करते हैं, शायद हम घर के अंदर चले जाएं। अब क्या हो गया, ओह माय गॉड यार, फाइनली देखो हम अंदर आ चुके हैं एंड इतने ऊपर से अंदर कूदने में सच में काफी जोर की चोट लगती है और ये देखो हमारे बुलेट ट्रेन का इंजन कितना ज्यादा बड़ा है। वैसे देखने में ये काफी पुरानी मॉडल का लगता है, लेकिन ये काफी
ये चलेगी। बिकॉज इसके आगे का डिजाइन देखो यार, ये सच में नए जनरेशन का है। और अभी मुझे इसे ले जाना है रेलवे स्टेशन। तो ऐसे करके हमने फाइनली अपना इंजन तो ढूंढ लिया, लेकिन अभी हमें इसकी बोगी ढूंढनी है। एंड ये वाला जो बोगी है वो हमारे रैम के सबसे ऊपर है। तो अभी हम चलते हैं उस बोगी को लाने के लिए, क्योंकि जब तक डब्बा नहीं रहेगा हम बैठेंगे कहाँ पर। एंड सच में इस डब्बे के अंदर जो सीट है वो काफी ज्यादा लग्जरी है। मैं आपको उसके अंदर घुस के भी दिखाऊंगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। सो फाइनली अपनी बाइक लेके हम आ चुके हैं रैंप वाली सिटी में। एंड बिकॉज ये वाला जो सिटी है इसमें केवल रैंप ही रैंप है। तो अभी मुझे उस डब्बे को लाने के लिए सबसे ऊंचे वाले रैंप पे जाना है, लेकिन मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है जहाँ से हम एक सेकंड में इसके ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हमें जल्दी से रैंप के ऊपर जाने के लिए बाइक को फुल स्पीड में भगाते हुए इसके अंदर से जंप करनी है। एंड जैसे मैं जंप करूंगा, ये देखो यार हमारी बाइक कैसे हवे में उड़ रही है, और ये हमारी बाइक को हजारों फीट ऊपर गेंद की तरह फेंक देती है। एंड फाइनली देखो एक सेकेंड के अंदर हम इतने ऊपर आ चुके हैं, और हमने जो वो डब्बा देखा था वो इसी रैंप पर कहीं पे देखा था। सो अभी हमें ये घूमता हुआ रैंप वाला जो कंटेनर है इसको क्रॉस करना है, क्योंकि इसी के आगे हमें वो बुलेट ट्रेन का डब्बा मिलने वाला है। और हाँ, फाइनली हमने इसे तो काफी इजीली पार कर लिया। तो ये रहा हमारे ट्रेन का पहला डब्बा, जो देखने में सच में काफी कमाल का लग रहा है। एंड ये हमारे ओल्ड ट्रेन से भी काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसे सच में काफी ज्यादा ऊपर छिपाया गया था। सो ऐसे करके फाइनली हमने रेलवे स्टेशन पर पहला डब्बा भी ला लिया है। एंड बारी बारी से हम इन सारे डब्बों को इंजन में जोड़ते भी जाएंगे, ताकि हमारा ट्रेन धीरे धीरे बनता भी जाए। सो यहाँ पर हमने अपने ट्रेन के अंदर पहला बोगी भी ऐड कर दिया है। सो अभी हमें दूसरा जो बोगी मिलने वाला है वो है विलेज के अंदर, और वहाँ पर कोई छोटा सा गैराज है उसी के अंदर ये छिपाया गया है। यार ये लोकेशन तो काफी पास में है, चलो फटाफट लेके आते हैं। एंड फिर हम दूसरे बोगी को भी इसमें जोड़ देंगे। एंड यहाँ पर वैसे ही काफी सारे गैराज हैं, तो मुझे थोड़ा ध्यान देके देखना होगा। वैसे मैंने फोटो देखी है, ब्लू कलर का गेट है एंड रेड कलर का उसका गैराज है। एंड ये लो आते आते हमें वो गैराज भी दिख गया। सो अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, चलो इसे खोल के अंदर से डब्बा निकालते हैं। एंड पता नहीं यार कहीं गेट पे कोई लॉक ना लगा हो। अबे हट यार, खुल जा, खुल के उन्हें। ओ माय गॉड यार, इतने सारे लोग कैसे आ गए, पर ये लोग आखिर मुझे इतना जोर से मार क्यों रहे हैं। अबे लगता है ये ऐसे नहीं मारेंगे, मुझे इनको भी मारना होगा। मतलब मैं इनकी भलाई के लिए एक नया ट्रेन बना रहा हूं और ये मुझे ही मार रहे हैं। तो अभी मैंने बस केवल एक मुक्के में ही सबको यहाँ पे ढेर कर दिया है। तो अभी इस गैराज के अंदर जाने के लिए मुझे बाइक की हेल्प लेनी होगी, और यहाँ पे पास में खड़ा करके अंदर जा सकता हूँ। सो अभी अपने निंजा बाइक को यहाँ पे गैराज के बाहर खड़ा करके ये देखो फाइनली अंदर चला गया। एंड ये रहा सच में हमारा दूसरा इंजन, जो काफी सेफ्टी से रखा गया है। वैसे एक बात तो माननी होगी कि इन सारे बोगियों को काफी अच्छे जगह पर छुपाया गया है, ताकि कोई भी चोर या सिंपल आदमी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। एंड इस बोगी के अंदर पिछले वाले ट्रेन के बोगी से भी कमाल के फीचर है। सो ऐसे करके हमें बुलेट ट्रेन का दूसरा बोगी भी मिल चुका है। एंड अभी बिना टाइम वेस्ट के इंजन के अंदर इसे भी जोड़ देते हैं, ताकि एक ओर से धीरे धीरे हमारा ट्रेन भी बिल्कुल ही रेडी होता जाए। एंड यहाँ मैंने दूसरा ट्रेन भी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन देखो यहाँ हमारा पहला ट्रेन पहले से भी टूटा हुआ है। पता नहीं यहाँ के सिटी की पुलिस क्या कर रही है। सो फाइनली हमें लास्ट वाला बोगी ढूंढना है, एंड वो उसका लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है। ओह माय गॉड यार, ये तो हमारे पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पर है, लेकिन इन पुलिस वालों ने इस बोगी को वहाँ पर क्यों छुपाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरा ट्रेन बनवाना ही नहीं चाहते? क्योंकि अगर बोगी उनके पास है तो अब तक वो काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अब तक ये यहाँ पे ना तो आए हैं एक बार देखने के लिए, और ना ही यहाँ से कोई बोगी हटी है। सो अभी हमें थर्ड वाला बोगी यानी लास्ट बोगी लाना है, जो हमें पुलिस स्टेशन के अंदर मिलेगा। एंड ये सबसे ज्यादा रिस्की होगा लाने के लिए, एंड लगता है मुझे उनको मारना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं बोगी ला पाऊंगा। सो फाइनली अपनी बाइक लेके हम आ चुके हैं अपने पुलिस स्टेशन। एंड अभी देखो यहाँ पे पुलिस वालों की पूरी कड़ी वाली ड्यूटी चल रही है, जिससे ये किसी भी बाहर वाले आदमी को अंदर नहीं जाने देने वाले हैं। अभी एक काम करता हूँ, इनको बाहर से ही मारता हूँ, बिकॉज अगर मैं एक साथ मारने गया तो ये सारे मिलके मुझे ही मार देंगे। एंड इधर से मैं बारी बारी से इन्हें मार भी सकता हूँ। एंड ये लो फाइनली मैंने एक को तो टपका दिया, एंड अभी दूसरा बंदूक वाला ये लो उससे भी मार दिया। अबे अबे ये देखो, ये तीनों मिलके मुझे कैसे मारने आ रहे हैं, और इनके पास तो मारने के लिए कोई गन भी नहीं है। सो फाइनली मैंने पांचों के पांचों पुलिस वालों को मार दिया है, लेकिन मुझे एमपीसीस को भी मारना होगा, क्योंकि अंदर गया तो ये मेरा चेहरा देख लेंगे, एंड इससे मुझे आगे की मुसीबत काफी बढ़ सकती है। सो यहाँ पर के सारे बैठे एमपीसीस को मैंने फाइनली मार दिया है। एक बार देख लेता हूँ कोई जिंदा नहीं, यार कोई अभी यहाँ पे जिंदा नहीं है। सो अभी लास्ट वाला बोगी लाने के लिए हम चलते हैं इसके सेकेंड फ्लोर पर। एंड ये लो हमारा लास्ट वाला
बोगी यार ये भी गजब का है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आखिर इस बोगी को लाया किसने होगा, क्योंकि इतने बड़े बोगी को ऊपर ला पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, फाइनली हमें लास्ट वाला बोगी भी मिल चुका है और अभी हम यहाँ से जल्दी से भागते हैं क्योंकि और पुलिस वाले आते ही होंगे और अगर उन्होंने पकड़ लिया तो मैं यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाऊंगा। वैसे एक बार हुआ बुलेट ट्रेन बन जाए मैं इस सिटी को छोड़ के जाने वाला हूँ और फिर सीधे एक साल बाद आऊंगा ताकि ये लोग मुझे पहचान ही ना पाए। ओह तेरी की यार, ये देखो बाहर कितनी सारी गाड़ियां लगी हैं। देखते ही देखते ये सारे पुलिस वाले मेरे पीछे लग चुके हैं। सो मुझे जल्दी से भाग के रेलवे स्टेशन जाना है एंड फिर इन सारे बोगियों को जोड़ना है। सो अभी मैं लास्ट वाला बोगी भी जोड़ने लगा हूँ एंड मुझे जल्दी करना होगा नहीं तो पुलिस वाले यहाँ तक आ जाएंगे। सो ऐसे करके मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों बोगी और इंजन एक साथ जोड़ दिए हैं एंड अभी देखो हमारा ये वाला ट्रेन तो पिछले वाले ट्रेन से भी कमाल का लग रहा है एंड इसका डिजाइन क्वालिटी काफी कमाल की है। सो अभी लास्ट वाला चीज है इसको चला के देखने का एंड अभी मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ और चलो इसे चला के देखता हूँ। और यार ये तो सच में काफी कमाल की और लाजवाब लग रही है। वैसे यार ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। वैसे कि आप भी चाहते हो हमारे गेम के अंदर कोई नया ट्रेन ऐड हो सो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं एंड आगे भी ऐसे ही कमाल के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कमाल के फनी एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।